नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। बहुत इंतजार किया आपने और इस इंतजार के बाद आज ये घड़ी आ चुकी है कि मैं आप लोगों के सामने साझा कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ में साझा कर रहा हूँ ये वार्षिकांक राजस्थान, स्पेशली राजस्थान से संबंधित, यानी कि अब जो ग्रेड थर्ड ईओ सीईटी जो भी आप दे रहे हैं परीक्षा, उसके लिए ये वार्षिकांक आप लोगों के साथ में आज मैं साझा कर रहा हूँ। इसकी सारी डिटेल इसके अंदर मैं बता दूंगा, क्योंकि विद्यार्थियों वैसे बहुत हद तक मैं बता चुका हूँ इसमें क्या है क्या नहीं है, जो नियमित है वो सभी जानते हैं, फिर भी चर्चा करें क्योंकि करंट की पुस्तकें बहुत आती है। ऐसा नहीं है कि मैं करंट की पुस्तक निकाल रहा हूँ तो बाकी पुस्तकें नगण्य हो गई, गौण हो गई या बिल्कुल उनका महत्व नहीं है, सभी का महत्व होता है। लेकिन इसके अंदर मैंने क्या कार्य किया है जो विद्यार्थियों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो वो मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा सबसे पहले, ठीक है। और कुछ पेज भी अभी मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से कार्य किया गया है, बाकी आप खुद जितना अवलोकन निकटतम आपके जो भी पुस्तक विक्रेता है जहां से आप नियमित रूप से कंपटीशन की पुस्तकें खरीदते हैं वहां पे जाकर देखेंगे तो ज्यादा आप अपने हिसाब से आकलन कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब बात करें, यदि इसमें ज्यादातर जो विद्यार्थियों की शंकाएं रहती है उस पर बात करें, फिर मैं आपको इसके कुछ पेज बताऊंगा कि इसके अंदर किस तरीके से कार्य किया गया है, क्या अलग है क्या अच्छा है इसके अंदर वो चीज, ठीक है। तो सबसे पहले साथियों बात करें कि इसके अंदर जो पेज है वो मिलेंगे आपको 160 पेज है, कितने इसके अंदर है पेज की बात करें तो 160 पेज है इसके अंदर, और ये फिक्स रेट प्रोडक्शन के अंदर ही है, ताकि आप लोग जो है इसके कई बार जो है देखने में आता है कि कई जगह जैसे दूरी होती है तो उसके हिसाब से कई बार ज्यादा रुपए भी लग जाते किताब के, तो इसके 160 पेज है और इसकी जो प्राइस है साथियों वो 120 है, ठीक है। अब जैसे कहीं किसी दुकानदार से आपके अच्छे रिलेशन है तो वो इसमें 10% तक का डिस्काउंट भी दे देते हैं, वो देखो उनके ऊपर डिपेंड करता है और दूरी पे डिपेंड करता है कि जयपुर से कितनी है, लेकिन 120 से ज्यादा इसके नहीं देने हैं और बिल्कुल ही न्यूनतम इसकी रेट रखी गई है। कारण क्या है कि यदि आप खुद जाकर वहां देखना मार्केट के अंदर कि ज्यादातर अपन जैसे करंट अफेयर्स की किताबें देखते तो पेज क्वालिटी इतना मजा नहीं आता है, लेकिन इसके अंदर आप वास्तव में कहोगे कि सर आनंद आया है। तो पेज क्वालिटी जैसे अपनी 7300 वन लाइनर की जो पेज क्वालिटी है ना, उसी पेज क्वालिटी को इसके अंदर मेंटेन किया गया है, यानी उसी पेज क्वालिटी के अंदर ये किताब आपको दी गई है। प्रकाशक महोदय ने बहुत बढ़िया काम किया है। साथ ही मैं बताऊं कि इसके अंदर एक बहुत बेहतर चीज है, यदि आप कवर पे ही ध्यान दोगे तो ये अपनी राजस्थानी मातृभाषा, राजस्थानी मांगे राजभाषा टैग लाइन के साथ में ये पुस्तक आई है इस मांग को मजबूत करने के हिसाब से, तो ये विशेषताएं। अब इसकी बात करें साथियों, मैंने आपको ये चीजें बता दी, अब इसकी विशेषताएं क्या क्या है, ये पुस्तक क्यों अन्य पुस्तक से अलग साबित हो सकती है, तो मैं बताता हूं। जितना आप मार्केट में जाकर यदि देखोगे तो वो मेरे ख्याल से ज्यादा आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगी, फिर भी चलिए कुछ पेज बताते हैं आपको इसके, ताकि आप इसे और अच्छे से समझ पाओ। चलिए मैं आपको साझा करता हूं कुछ पेज इसके, मैंने वैसे बता दी, इसके अंदर वन लाइनर व्याख्यात्मक, इसके अंदर संपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है उनको शामिल किया गया और उसमें भी व्याख्यात्मक वस्तुनिष्ठ शामिल किए गए, टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ भी शामिल किए गए हैं और माहवार भी शामिल किए, ताकि ये एक महीने का अध्ययन कर रहे हैं आपको अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है तो आप इस पे कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर QR कोड दिए गए हैं क्लासेस के, क्लासेस सारी YouTube पर बिल्कुल बिना किसी शुल्क के अवेलेबल है, आप QR कोड स्कैन करके इस क्लास जो भी महीने की आप क्लास पढ़ रहे हैं उसे अच्छी तरीके से डायरेक्ट ही समझ सकते हैं कि इसके अंदर क्या है, क्लास को कैसे समझना है, क्या चीजें हैं। अच्छा, जो विद्यार्थी पुस्तक पढ़ने में समर्थ नहीं होते तो उनके लिए संपूर्ण, देखो क्लासेस करवाई है तो वहां पे भी कोई कमी नहीं रखी गई, आप निशुल्क रूप से क्लासेस के माध्यम से भी आप लाभ उठा सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज मात्र ₹40 में GGD के ऐप पर अवेलेबल है, इसकी संपूर्ण जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है आपको टेस्ट सीरीज से भी अभ्यास आप कर सकते हैं। कई विद्यार्थी जो है अपनी रैंक देखना चाहते हैं दूसरे विद्यार्थियों के साथ में, तो वो अपनी रैंक जो है टेस्ट सीरीज के माध्यम से देख सकते हैं, तो वो वहां से आकलन हो जाता है, सेल्फ चेकिंग हो जाती है, बहुत सारी चीजें हैं, सभी तरह की मतलब सुविधाएं अवेलेबल करवा दी है, जो सुविधा जिसके अनुसार अच्छी रहती है ना वो उसके अनुसार निर्णय ले सकते हैं। चलिए मैं आपको कुछ पेज बताता हूं इसके कि अंदर क्या है, पूरे तो नहीं बता पाऊंगा लेकिन किस तरीके से कार्य किया गया है वो मैं बताना चाहूंगा, इसमें से काफी सारे विद्यार्थी देखना भी चाहते हैं। तो ये जो है साथियों वार्षिकांक वन लाइनर और वस्तुनिष्ठ का बेहतरीन एक कॉम्बिनेशन के रूप में आया है। इसके अंदर देखो क्या क्या है, यदि इस पे बात करें अपन
तो लगभग लगभग 1100 प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ संकलन और व्याख्यात्मक संकलन इसके अंदर है, जिसमें आपको टॉपिक वाइज भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। और सबसे पहले तो मैं बता दूं इसके अंदर की नवीनतम जो मंत्रिमंडल है, जो अध्यक्ष है, वो सारे के सारे इसमें शामिल किए गए हैं, ठीक है ना। सबसे पहले ही पहले आपको वही चीज देखने को मिलने वाली है इसके अंदर। ये यदि मैं बताऊं इसके अंदर आप देख पा रहे हो तो ये जो है मंत्रिमंडल नवीनतम इसके अंदर शामिल किया गया है, ठीक है। इसके बाद में फिर इसके अंदर आ जाएगी वन लाइनर व्याख्यात्मक, जो मैं आगे बताने वाला हूं आपको। इसके अंदर टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी मिलने हैं, एग्जाम रिव्यू, जितने एग्जाम रिव्यू, जितने प्रश्न अभी हाल ही में एग्जाम के अंदर बने हैं 2022 वाले सन के अंदर, वे सभी व्याख्या के साथ में शामिल किए गए। मंथ वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न अलग से शामिल किए गए ताकि मंथ वाइज भी अभ्यास किया जा सके। प्रमुख पदाधिकारी और आयोग अध्यक्ष है, प्रमुख अभियान और सभी एक साथ सारगर्भित तरीके से इसमें शामिल किया गया कि विद्यार्थी यदि अभियान एक साथ रिवीजन करना चाहे तो उनके लिए बेहतर ऑप्शन शामिल हो जाए, ठीक है। चलिए तो ये मैं बताऊं आपको कि इसकी प्राइस भी आपको मैंने बता दी, 120 के अंदर ही ये मिलने वाली है। इसको बेहतर बनाने के अंदर आप सभी विद्यार्थियों का तो सहयोग रहा ही है अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से रामनिवास जी सैनी और लक्ष्मण जी सैनी का बहुत ज्यादा सहयोग रहा है, और दोनों ही शिक्षा विभाग में कार्यरत है, बहुत अच्छा खासा अनुभव रखते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित, तो इन्होंने बेहतरीन काम इसके अंदर किया है, ठीक है। तो सहयोग बहुत शानदार रहा है। ये इसके इंडेक्स है, सबसे पहले आपको पदाधिकारी और आयोग के अध्यक्ष मिल जाते हैं नवीनतम, उसके बाद में सभी अभियान एक साथ आपको इसमें मिल जाने हैं सारे के सारे, बिल्कुल मतलब सारगर्भित, तुरंत सीधे याद करने और सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रमुख कार्यक्रम आयोजन और प्रदर्शनी, ठीक है, ये भी एक साथ है। फिर आ जाते हैं आपके वन लाइनर जो मंथ वाइज है, ठीक है, आप देख रहे हो जनवरी फरवरी ऐसे करके दिसंबर तक के पूरे जो है वन लाइनर व्याख्या व्याख्या के साथ में, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न किस तरीके से शामिल किए गए, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सबसे पहले इसके अंदर जैसे प्रमुख खेल और खिलाड़ी टॉपिक वाइज आ गए, प्रमुख सम्मान व पुरस्कार आ गए, व्यक्ति व चर्चित स्थान आ गए, फिर एग्जाम रिव्यू के लगभग 150 से भी अधिक प्रश्न है, फिर विविध वस्तुनिष्ठ इन टॉपिक वाइज में से कोई छूटे वो आ गए हैं, सभी व्याख्या के साथ में है। फिर आ जाते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न 12 महीने के, हर महीने के मंथ वाइज जिस तरीके से आपने टेस्ट सीरीज में अभ्यास किया उसी तरीके से इसमें भी मिल जाते हैं। फिर अंत में जो है प्रमुख योजनाएं, और फिर आ जाता है सूजक संकलन। अब सूजक संकलन में मैंने जैसा आपको बताया भी था कि सूजक संकलन में जो वैसे सूजक का बुलेटिन आता है हर रोज, तो यदि उसमें पढ़ नहीं पाते तो उसमें से जो पढ़ने वाली चीज होती है सूजक बुलेटिन में, वही अपन ने इसके अंदर शामिल किया है कि आपको इस बुलेटिन में से इस पर ध्यान देना था, लेकिन बाय द वे आप ध्यान नहीं दे पाए, तो आप इसके माध्यम से भी ध्यान दे पाओगे। किस तरीके से शामिल है वो भी मैं आपको इसमें बता दूंगा। सबसे पहले बता दूं कि जैसे प्रमुख अभियान है ना, अच्छा ब्लैक एंड व्हाइट है, थान किन में दिख जाएगा सर, मेरे तो रंगीन आयो भी को नहीं, ये तो क्या है पीडीएफ होती है तो इसके अंदर तो रंगीन आ जाती है, दिख जाती है, लेकिन किताब ब्लैक एंड व्हाइट ही है, ओरिजिनल ही है, ठीक है ना। चलिए तो प्रमुख अभियान एक साथ इस तरीके से दिए गए, देखो जैसे बाल आयोग आपके द्वार, कोटड़ा, उदयपुर, बाल श्रम और बाल तस्करी के विरुद्ध, बालिका चेतना जागृति, जालोर और कहां से शुरू किया गया, बालिका फ्रेंडली पंचायत, इस तरीके से जो है सारगर्भित इनको शामिल करने की, और जितने अभियान जनवरी से लगाकर दिसंबर तक जितने भी चले हैं सभी को शामिल किया गया है, ठीक है। फिर और क्या इसके अंदर अलग है, तो देखो ये सर्वसाधारण की वन लाइनर है, तो वन लाइनर के अंदर जो है ये जो जो जहां जहां जिस तरीके से याद करना होता है, मतलब मैंने और मेरी टीम ने ये कोशिश की है कि हम अनावश्यक सामग्री को ठूस ठूस के पढ़ने से बचे और विद्यार्थी वह छनी हुई सामग्री पढ़े जो एग्जाम की दृष्टि से सीधी सीधी इंपॉर्टेंट है, याद भी रखा जा सकता है। और टारगेट हमारा यह है कि यदि 10 प्रश्न किसी एग्जाम में आते तो उसमें से 9 को टारगेट बिल्कुल किया जाए और उन्हें टारगेट किया भी जाएगा, इस तरीके से इस पर काम किया भी गया। तो देखो याद करना बहुत अच्छा आप लोगों के लिए हो जाता है। यदि बात करें क्लास, जैसे ही आप जनवरी पढ़ रहे हो आप QR कोड स्कैन करके जनवरी की क्लास पर सीधे जा सकते हैं और सीधे वहां से पढ़ सकते हैं। इस तरीके से मंथ वाइज वन लाइनर आपके शामिल है, ये देखो ये फरवरी की जैसे वन लाइनर है इसमें भी QR कोड आ गया, इनमें जैसे कि ये इसके अंदर थोड़ी सी व्याख्या की आवश्यकता अपन को महसूस हुई तो ये भी बता दिया इसके साथ में, जहां जहां आवश्यकता जिस तरीके से महसूस होती है, जैसे नया हुनर हाट है तो इसके बारे में ये जानकारी आ गई, ठीक है, 7 जगह पर काम करने वाले हिमताराम भामू का संबंध रहा, तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो है इनके इनसे संबंधित जो जानकारी चाहिए थी वो यहाँ पे दे दिया, 7 जगह में क्या आता है वो भी बता दिया, क्यों चर्चित रहे वो भी आ गया। तो एक पढ़ना बहुत मतलब रुचिकर इससे हो जाएगा। जैसे लेटेस्ट अभी 20 कंजर्वेशन रिजर्व है, तो 20 कंजर्वेशन रिजर्व को भी इसके अंदर अभी लेटेस्ट काम, देखो जब समसामयिकी का मतलब ही ये होता है कि जो लेटेस्ट है वो,
तो जनवरी से लगा के दिसंबर तक का सब कुछ इसके अंदर सारगर्भित तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये वन लाइनर मंथ वाइज मिल जाती है। फिर यदि अपन बात करें टॉपिक वाइज प्रश्न उत्तर किस तरीके से है, वस्तुनिष्ठ किस तरीके से है, तो वस्तुनिष्ठ में देखो यहाँ पे अब कई विद्यार्थी सोचते हैं ये कि सर ये उत्तर पीछे होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें कारण यह है कि 1100 प्रश्न है, 1100 प्रश्न को आप बार बार पेज पलट के देखते हैं तो पढ़ने का कहीं ना कहीं इंटरेस्ट कम हो जाता है और अपने को इस समय जो है याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है, तो इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए साथ में लिया है। और व्याख्यात्मक जो चीज होती है ना उसमें उत्तर पीछे देंगे तो भी मतलब नहीं निकलता, क्योंकि उत्तर के प्रश्न के जस्ट नीचे उत्तर ऑलरेडी व्याख्या में लिखा हुआ होता है, तो इसलिए साथ में मिलेगा, ये ज्यादा हितकर है अभी जो सिचुएशन देखी जाए, अभी पढ़ाई का जो दौर देखा जाए उस हिसाब से, ठीक है। तो ये देखो इस तरीके से टॉपिक वाइज में इस तरीके से आपके संपूर्ण प्रश्नों को शामिल करते हुए आवश्यक व्याख्या भी मिल जाती है। एग्जाम रिव्यू प्रश्न, एग्जाम रिव्यू के प्रश्न शामिल कर दिए, साथ साथ ही इसके साथ में जो व्याख्या आवश्यक लगती है वो भी देखने को मिल जाती है, ठीक है। फिर बात करें वस्तुनिष्ठ जो अपने माहवार प्रश्न है मंथ वाइज, तो मंथ वाइज में भी देखो शानदार व्याख्या आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये देख लो इस तरीके से आपके जो भी प्रश्न पढ़ते हैं उसकी व्याख्या के साथ में वो चीज बिल्कुल ही क्लियर हो जाती है। जैसे ये अप्रैल माह की है, ठीक है, आगे दूसरा माह था अप्रैल माह की है, तो इसके अंदर जितनी व्याख्या होनी चाहिए वो उस तरीके से बेहतरीन व्याख्या के साथ में ये चीज दी गई है। और अंत में यदि आप देखते हैं तो योजनाएं जो है सारगर्भित तरीके से, अब योजनाएं पढ़ते हैं अपन को फिर डेट क्रॉस चेक करने के लिए और तुरंत मतलब रिविजन के लिए चाहिए, तो लगभग 150 के करीब योजनाएं सारी की सारी इसके अंदर शामिल की गई है जो इस तरीके से आपको मिल जाएगी, ठीक है। और फिर बात करें अपन अंतिम रूप से कि सूजस सार की कैसे है, तो जैसे सूजस बुलेटिन में अपन को जिस न्यूज पे फोकस करना होता है ये ब्लैक एंड व्हाइट मिलेगी उसमें, ये तो रंगीन यहाँ पीडीएफ में दिखती है। तो ये चीज जैसे कि आपको अब 7000 से अधिक लोगों के खेलने की जो अपने शहरी ओलंपिक में आपको ये चीजें पढ़नी चाहिए थी, तो ये आप उस पर ध्यान नहीं दे पाए, आप यहां से जो है ये दे पाते हो, तो पीछे आपको 5-7 पन्नों में ये बहुत बेहतरीन तरीके से संकलित किया हुआ सूजस तार संग्रह मिल जाता है इस वार्षिकांक के अंदर ही, ठीक है। तो मतलब पढ़ना एक बहुत रुचिकर हो जाता है और अपने जो जनसंपर्क सूचना विभाग द्वारा जो संकलित चीजें जो अपने को दी जाती है टेलीग्राम पे भी अपन शेयर करते हैं, तो उनको भी व्यवस्थित तरीके से इसमें शामिल करने की कोशिश की गई है। तो ये मतलब मैंने कुछ पेज बताए हैं, यदि आप व्यवस्थित तो मतलब आप खुद आकलन करेंगे तो ही है अच्छा। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपका बहुत विश्वास है सर के ऊपर और सर बता रहे तो आपको आंख बंद करके लेनी है, नहीं, आप लोग जाएं, आप लोग आकलन करें, आपको लगता है कि वास्तव में, मैं हर किताब के अंदर कहता हूं आपको लगता है कि वास्तव में सर ने कोई काम किया है और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा समय को बचाते हुए हमें संपूर्ण सामग्री भी दे रही है और काफी लोगों से हमें आगे लेकर जाएगी, तब आपको इसके साथ में जरूर जाना चाहिए। और मैं यही निवेदन करूंगा कि आप आकलन जरूर करें, मैं ये नहीं कह सकता कि आपको ये लेनी ही लेनी है, नहीं, आवश्यकता अपनी है तब आपको लेनी है, आवश्यकता नहीं है तो नहीं लेनी। अच्छा, कई विद्यार्थियों के ये सवाल है कि सर क्या हम जो है आपके ऑलरेडी क्लास के नोट्स बना चुके हैं, हमने टेस्ट सीरीज से अभ्यास किया है, तो क्या हमें ये लेनी पड़ेगी? नहीं, कोई आवश्यक नहीं है, ये एक विकल्प के तौर पे है कि जिन्होंने जैसे नोट्स नहीं बनाए हैं और जिनको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में बहुत समस्याएं रहती है, कई जनों को कमेंट आते हैं कि सर हमारे आंखें जलती है, वो है, तो ये विकल्प है और काफी सारे विद्यार्थियों की डिमांड थी, तो ये विकल्प के तौर पे है। यदि आपको लगता है कि हाँ हम 100 110 120 रुपए में इसे अफोर्ड कर सकते हैं और हमारे लिए ये सुविधाजनक है तब आपको इसको ले लेना चाहिए, बाकी आपको नहीं लगता तो अपने क्लास में भी संपूर्ण मैटर दिया है, अपने टेस्ट सीरीज में भी संपूर्ण मैटर दिया है, कहीं कोई कमी नहीं बरती गई है, ठीक है ना। ऐसा मन में बिल्कुल ना सोचे कि सर ने क्या पता क्लास में कहीं मैटर कम रखा होगा, नहीं, क्लासेस मेरी प्राथमिकता रही है हमेशा से, और मेरे वे कई भाई बहन ऐसे हैं जो पुस्तकें लेने में असमर्थ होते हैं, वे सिर्फ क्लासेस से पढ़ते हैं, तो मैं क्लासेस में कोई कमी नहीं रखता हूं, ये पुस्तकें और ये सारे एक विकल्प के तौर पे, ताकि जो विद्यार्थी पुस्तकों को प्राथमिकता देते हैं उनको भी इन कंटेंट को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ने को मिल जाए, इसको देखते हुए ये कार्य किया जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गई अपने इसकी बात, तो मतलब आज तो देखो ये आप लोगों को आज जयपुर और जोधपुर मार्केट में आज अवेलेबल हो चुकी है, अब के सर फलाने जिले में मिलेगी या वहां मिलेगी क्या, सब जगह ये अवेलेबल है, ठीक है ना। मैं बता दूं कि सभी जगह राजस्थान में जहां जहां आप कंपटीशन की जितनी जहां से पुस्तकें आपने ली है वहां सभी बुक सेलर के पास में ये मिलेगी। चलिए आज जैसे कहीं नहीं मिल पाई है
तो ये कल तक पहुंच जाएगी, या फिर आप अपने निकटतम बुक सेलर को कहें कि वहां से सर हमें ये पुस्तक है बता देना, कवर मंगा दे, च्यवन प्रकाशन की पुस्तकें सभी जगह उपलब्ध होती है, तो ये आप लोग वहां से मंगवा सकते हैं, वो मंगा देंगे एक दो दिन में आपको ये मिल जाएगी। अच्छा, ऑफलाइन में आपको सस्ती पड़ती है, कारण ये है कि ऑफलाइन में मान लो 120 है तो क्या पता दुकानदार 110 में ही दे दे, 100 में दे दे, उसकी दुकानदार की इच्छा पर है, तो वो ऑनलाइन ऑफलाइन में सस्ती पड़ती है। ऑनलाइन का लिंक भी मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा अभी। ऑनलाइन में क्या होता है कि शिपिंग चार्ज होते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की फीस होती है, उस हिसाब से थोड़ी सी जो है वो शिपिंग चार्ज जुड़कर इसका मूल्य बढ़ जाता है, जो आप लोगों को जो ऑनलाइन खरीदते हैं उनको पता भी होगा, तो वो देख लेना जहां से आपको मैं एक दो लिंक दे दूंगा ऑनलाइन के, तो वो, लेकिन उनके ट्रैकिंग संबंधी या कोई भी समस्या होती है तो जहां जिस लिंक से आप ऑर्डर कर रहे हैं ना वहीं पे उनसे संपर्क करें। हमारा ऐसा नहीं है कि सर आपने लिंक दिया और हमने ऑर्डर किया, हमारा कोई डायरेक्ट नहीं है, हम तो सिर्फ सुविधा के लिए आपको लिंक दे देते कि भैया ये प्लेटफॉर्म है, यहां से आप ऑनलाइन ले सकते हो। आप कहीं और से पहले से ऑनलाइन कोई किताबें ले रहे हैं तो आप उनसे ले सकते हो जहां से आपको विश्वास हो, तो ये चीजें हैं, ठीक है। और इसी पुस्तक पे आधारित यदि आप कोई टेस्ट सीरीज, जैसे आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से अभ्यास करना चाहते हो तो जीजीडी ऐप पर मात्र 40 रुपए के शुल्क के अंदर ये संपूर्ण जो है टेस्ट सीरीज के अंदर भी आपको प्रश्न मिल जाते हैं, आप अभ्यास वहां से भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी ग्रेड थर्ड के लिए टेस्ट सीरीज ऐप पर चालू है, तो जिसको जैसी सुविधा का लाभ उठाना है अपने अनुसार निर्णय लेकर उठा सकते हैं। और टेलीग्राम पे सूचनाएं सारी की सारी दे दी जाती है, ये टेलीग्राम का QR कोड भी दे रखा है और नाम देख लेना, ये सर्च करके आप वहां पे मैं इसका ऑनलाइन का लिंक भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा। और ग्रेड थर्ड के लिए राजस्थान जीके की 7300 जो अभी सबसे ज्यादा डिमांडिंग और सबसे ज्यादा प्रेम विद्यार्थियों का मिल रहा है वो, और वन लाइनर ये भी ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो आप इनके साथ जा सकते हैं। अच्छा, योजनाओं से संबंधित अपन ने एक पहले से, ये लगभग 4-5 महीने हो गए पहले से व्याख्यात्मक पूरी योजनाओं वाली दे रखी थी किताब, और अब जो है इसके अंदर सारगर्भित तरीके से इसमें ही वार्षिक अंक में जोड़ा भी गया है ईओ और आरओ की वनलाइनर भी संपूर्ण सिलेबस, ठीक है ना, इसमें भाग अ और भाग ब नगर पालिका अधिनियम के साथ में ईओ और आरओ की वनलाइनर भी मार्केट में अपने अवेलेबल हो चुकी है। आराम से आपको, यदि आप ईओ और आरओ की कोई तैयारी कर रहे हैं तो वो इससे संपूर्ण तरीके से बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। तो ये कुछ जानकारी थी साथियों जो आपको साझा की है, और QR कोड इसमें भी दे रखे हैं, क्लासेस ऑलरेडी YouTube पर अवेलेबल है, आप चाहे जैसे लाभ उठा सकते हैं। बढ़िया, अच्छे से देखो, हमारी तरफ से मेहनत पूरी हो चुकी है, अब बारी आपकी है, आप कितना इसको पढ़कर भुना पाते हैं वो आपके, हमारी तरफ से समय समय पर आपके साथ खड़ा रहा जाएगा और साथ दिया जाएगा, उसके बारे में आप निश्चिंत रहें। अब मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।